वायु भैया, मारे को तो बहुत बड़ी वाली खुशी हो रही है कि मारे को मासा ने कॉलेज जाने से मना कर दिया। पता है मैं कितना डर गई थी, मारे को लग रहा था फिर से स्कूल, कितनी मुश्किल से हमारा स्कूल से पीछा छूटा था और अब वापस कॉलेज वापस पढ़ा। ना 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 ना, ना मारे को तो ना सिर्फ घर पे रहना ही अच्छा लगता है। अब देखो मैं सच सच के पहले मासा के साथ पूजा करने जाऊंगी, उसके बाद मैं दोपहर में आऊंगी, अपना खाना खाऊंगी और आराम से लंबी नींद लूंगी। सच सच के बाजार जाऊंगी सब्जी खरीदने, और कोई टेंशन नहीं, बस मजे मजे घर पे आराम करो, एग्जाम की भी टेंशन नहीं है, अब तो बढ़िया वाले कर सकते, आराम से घर में सोना, आराम से कोई काम नहीं, ना पढ़ाई ना लिखाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं हूँ हनी सोनी और आप लोग देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। तो अभी सीक्वेंस ये चल रहा है कि बुलबुल को जो है कॉलेज में एडमिशन दिलवाने की बात हो रही है मेरे साथ, मेरे क्लास में, मेरे कॉलेज में। एंड पहले तो मैं भी खुश नहीं थी, मेरे पापा और सुलक्षणा जी खुश नहीं है इस बात से कि मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी चाची पढ़ेगी, इट्स सो एम्बेरसिंग एंड हम नहीं चाहते कि बुलबुल कॉलेज में एडमिशन ले। तो वही सीक्वेंस चल रहा था। एंड अभी जो चल रहा है वो है कि वरदान जी ने दिमाग लगाया है कि जब रिपोर्टर्स और वो लोग आएंगे तो वो लोग वरदान जी के आइडिया से पूछने आए हैं, सुलक्षणा जी का इंटरव्यू लेने आए हैं कि आपकी बहू कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो क्या आप इस बात से खुश है या नहीं। एंड और वरदान जी वायु एंड बुलबुल और वो लोग रिवर्स साइकोलॉजी लगाते हैं कि अगर बुलबुल ऐसा कहेगी कि मुझे नहीं पढ़ना और ये नहीं करना तो शायद सुलक्षणा जी हाँ बोल दे कि हाँ मुझे पढ़ना, हाँ मुझे तुम्हें पढ़ाना है, रिवर्स साइकोलॉजी इन्होंने लगाई है। एंड वो चाहती है कि बुलबुल कॉलेज में जाएँ। तो सबके सामने, मीडिया के सामने सुलक्षणा जी कह देती है कि हाँ बुलबुल कॉलेज जा सकती है एंड बुलबुल कॉलेज जाके पढ़ेगी। एंड इसी तरह बुलबुल का और उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है कॉलेज जाने वाला। एंड मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ कि बुलबुल चाची मेरे कॉलेज में क्यों पढ़ेगी, मुझे एम्बेरेसिंग लगेगा। वैसे भी इससे पहले भी मैंने सीन किया था जहाँ पे मुझे अपने फ्रेंड्स को उन्हें मिलवाने में शर्म आ रही थी कि मुझे अपने फ्रेंड्स से आपको नहीं मिलवाना एंड ऑल। तो बस मैं थोड़ी सी गुस्सा हूँ, मेरे पापा थोड़े से गुस्सा हैं क्योंकि सुलक्षणा जी ने हाँ बोल दिया कि हाँ बुलबुल कॉलेज जा सकती है। बट एक्चुअली सुलक्षणा जी ने बोला है इन कॉम्पिटिशन कि तुम 2 दिन भी कॉलेज में नहीं टिकोगी। देखते हैं क्या होता है जब बुलबुल कॉलेज जाती है मेरे साथ मेरे क्लास में। और आगे आपको मेरा और बुलबुल का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि पहले से हम ये देखते हैं कि मुझे बुलबुल अच्छी नहीं लगती। तो अगर वो मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में होगी तो क्या हो सकता है, क्योंकि बेसिक सी बात है मुझे बुलबुल अच्छी तो लगती नहीं है, मुझे दृष्टिया ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बुलबुल को बहुत ज़्यादा तंग कर सकती हूँ या मैं बुलबुल की मतलब जब एक ही क्लास में होगी तो एक ही क्लास में होगी तो देखना होगा कि मैं क्या करती हूँ बुलबुल को, मैं कितना तंग करती हूँ। You're so bad, yeah.